हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने अनाउंस किया था आज के शॉर्ट वीडियो के अंदर कि आज से हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का 27 मार्च को, तो उसके लिए हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन 10 दिनों में, जैसे आज 17 है, 17 से लेकर 27 का कोई एग्ज़ाम है, ठीक है ना, तो 26 तक है ना, 9 से 10 दिनों के अंदर अपन क्या करेंगे, हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरे सिलेबस का, चाहे फर्स्ट बुक हो या फिर सेकंड बुक हो, हम उसको कवर अप करेंगे, ठीक है ना। और किसके थ्रू करेंगे, विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैसे फ्रेम हो सकते हैं, क्या उसके अंदर आपको मैटर लिखना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन विद वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड बुक, दैट इज हेलो रीन्स। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज डीडीटी। डीडीटी क्या है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, डीडीटी के अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो क्या होता है कि व्हाट इज डीडीटी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होता है, हाउ कैन वी राइट द आईयूपीसी नेम ऑफ डीडीटी, या फिर व्हाट इज द आईयूपीसी नेम ऑफ डीडीटी, ठीक है ना। इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। और तीसरी चीज वो कभी कभी पूछते हैं और कभी नहीं भी पूछते हैं कि हाउ कैन बी प्रिपेयर डीडीटी, ठीक है ना। तो लास्ट वाले क्वेश्चन, यानी कि प्रिपरेशन पे तो क्वेश्चन जो सवाल है वो बहुत कम आते हैं, बट स्ट्रक्चर, यूज, ठीक है, इसका आईयूपीसी नेम, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज डीडीटी। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन, डीडीटी इज ए पेस्टिसाइड। और क्या मीनिंग होता है पेस्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का बहुत ही सीधा सा मतलब ये है कि आप इसको यूज करते हो इन क्रॉप फील्ड्स टू एलिमिनेट ऑल द पेस्ट, जैसे कि इंसेक्ट हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा पेस्ट हो सकता है जो आपकी फसल को खराब कर सकता है, उसके लिए हम लोग डीडीटी का यूज करते हैं। तो डीडीटी इज अ पेस्टिसाइड, ठीक है। दूसरी चीज, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, डीडीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर देख लो, डीडीटी का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, यह आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन से जुड़ा होता है कार्बन, और इसी से जुड़ता है एक और क्लोरोबेंजीन पैरा पोजीशन से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, थोड़ा सा बीच बनाते हैं इसको, ये स्ट्रक्चर में बना रहा था अभी, ये कार्बन पैरा पोजीशन पे और एक और पैरा पोजीशन पे जो मैं इधर बनाया था वो क्लोरोबेंजीन ही है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे एक और कार्बन जुड़ा है जिससे तीन सीएल जुड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है डीडीटी का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, ठीक है ना। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पूछते हैं इसका आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, ठीक है ना। तो अपन हर टॉपिक पे ऐसा ही करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको लिखना क्या है और कैसे लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए, तो डीडीटी क्या होता है, मैंने आपको बताया एक पेस्टिसाइड है, स्ट्रक्चर कैसा होता है तो इस तरह से देख लो आप, है ना। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, देखो, अब आईयूपीएसी नेम के अंदर अगर आप मदर चेन को चूज करोगे, जैसे मदर चेन आपका ये है, इसी जो मदर चेन, ठीक है ना, तो मदर चेन में कितने कार्बन है, दो, ठीक है ना। तो दो कार्बन अगर है तो आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे बताइए, नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे क्या नाम से, यहां से, सी से, राइट वाले सी से, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं हट जाता हूं फ्रेम से, अब ध्यान से आप देखिए स्ट्रक्चर को, तो राइट हैंड साइड में जो सी है आपका वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकेंड कार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन से अगर आपने स्टार्ट किया है इसको, तो इसको मैंने फर्स्ट कार्बन नाम दिया, इसको मैंने सेकंड कार्बन नाम दिया, तो फर्स्ट कार्बन पे कितने हैं आपके पास, सीएल है, दो, सॉरी तीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम अपन कैसे लिखेंगे इसका, 1.1.1, ठीक है, ट्राई क्लोरो, देखिए ट्राई क्लोरो इथाइल, नहीं इथाइल नहीं, अभी नहीं करेंगे, रुको, सेकंड पे करेंगे अपन 2.2, ये हो जाएगा आपका डाई
बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन, और उसके बाद आप लिखेंगे इथेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आईयूपीएसी नेम, यानी कि 111 ट्राइक्लोरो, 2.2 डाइक्लोरो बेंजीन इथेन, डाइक्लोरो बेंजीन इथेन। तो दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ डीडीटी। ठीक है, तो ये तीन टाइप के जो क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या लिखना है। चौथा क्वेश्चन इसके अंदर बनता है इसका प्रिपरेशन, इसको आप प्रिपेयर कैसे करोगे। ठीक है ना, तो याद रखना जब भी डीडीटी का प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करने के लिए हम इस तरह के रिएक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि ठीक है, ये है रिएक्टेंट डीडीटी बनाने का, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोरल, दिस इज क्लोरल। तो जब भी आप डीडीटी बनाएंगे तो डीडीटी बनाने के लिए जो रिएक्टेंट हम लोग यूज करते हैं, जो मतलब अपन कंपोनेंट यूज करते हैं, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, क्लोरल है। ठीक है ना, अब क्लोरल रिएक्शन हमको करवानी है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, या फिर टू मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जब रिएक्शन होगी, जब रिएक्शन हो जाती है या फिर जब इन्होंने रिएक्ट करते हैं, दिस इज क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, ऐसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में क्या हो रहा है, देखिए हो क्या रहा है, एक्चुअली रिएक्शन कैसे हो रही है, जब आप इसको थोड़ा सा हीटअप करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो क्या बाहर निकल जाता है, अगर आप ध्यान से देखें तो H2O इज रिलीजिंग फ्रॉम द रिएक्शन। ठीक है ना, H2O बाहर निकल रहा है, और H2O बाहर निकलने की वजह से ये दोनों जो बॉन्ड्स है किसके साथ बन जाता है, इस कार्बन के साथ बन जाता है, और आपको मिलता है आपका डीडीटी कुछ इस तरह से, या जैसा का वैसा। Cl एंड Cl, दिस इज योर डीडी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ विद विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेट। ठीक है ना, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको डीटी समझ में आया होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं बोर्ड एकदम क्लीन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मेट में हमारा जो वीडियो रहेगा वो हमारा जो रिवीजन सेशन रहेगा वो इस तरह से ही रहेगा आने वाले 9 से 10 दिनों तक। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन डीटी के बाद में, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम उस पर वापस से इसमें बात कर सकें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो कई बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है वो ये है कि क्लोरोबेंजीन के ईएसआर रिएक्शन की बात की गई है। नाउ, अब जिन भी बच्चों को ईएसआर का मतलब नहीं पता, पहली बात तो ये गलत बात है, पता होना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएसआर, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईएसआर का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, और इसमें होता क्या है, इसमें E प्लस जो होता है, E प्लस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, जिसको अपन इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किस पर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पर, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पर। तो इसमें क्या लिखेंगे, E प्लस अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और बताइए, जब भी आप ईएसआर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन सी होती है, वो होती है आपकी बेंजीन रिंग। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि भाई ईएसआर जो है उस पर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन सा है, तो याद रखिएगा बेंजीन के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ईएसआर के प्रोसेस के अंदर, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर ईएसआर की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक करता है, और इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होता है, बेंजीन होता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, और याद रखिएगा केवल बेंजीन ही है जो ईएसआर रिएक्शन देता है। ठीक है ना, एनएसआर नहीं देता बेंजीन, ईएसआर रिएक्शन ही देता है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब ईएसआर कितने प्रकार का होता है, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं
अगर बात करूं मैं इसके टाइप्स की, पूरा रिवीजन वीडियो है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। टाइप्स की अगर बात करें तो पहला टाइप जो होता है इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन, ठीक है ना, हेलोजिनेशन। दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। तीसरा जो है टाइप उसको हम कहते हैं सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। चौथा जो टाइप है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये चार मोस्ट जो टाइप्स हैं वो ईएसआर रिएक्शन के होते हैं। अब फ्रीडल क्राफ्ट के भी दो टाइप होते हैं, सबसे पहला एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो इन सब में क्या क्या होता है मैं आपको भी डिस्कस करवाऊंगा, लिखूंगा इनके बारे में, तब तक आप पूरे को नोट कर लीजिए, एक नोटबुक अपने साथ जरूर रखिए ताकि आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर सकें। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला विद हेलोजिनेशन, है ना, अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है। तो क्योंकि अपन ईएसआर किसका पढ़ रहे हैं, हम लोग ईएसआर पढ़ रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, ठीक है ना। और क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है मालूम होना चाहिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये होता है आपका क्लोरोबेंजीन। तो मतलब जितने भी हम इसके रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उन सब में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन सबसे पहले आपने इसके अंदर लिया, और याद रखिएगा कि हेलोजिनेशन के अंदर जो हमारा रिएक्टिव स्पीशीज होता है वो क्या होता है, Cl2 और FeCl3, Cl2 FeCl3। तो जैसे आपने Cl2 FeCl3 को क्लोरोबेंजीन के अंदर यूज किया तो तुरंत क्या मिलेगा आपको, आपको ऑर्थो और मेटा कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब दो तरह के आपको कंपाउंड्स मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थो और एक मिलेगा पैरा, ठीक है ना। जैसे पैरा पे आपको जुड़ गया Cl और एक ऑर्थो पे जुड़ गया आपका Cl, ठीक है। पैरा जो होता है स्टेबल होता है, इसलिए इसकी जो यील्डिंग होती है ज्यादा होती है, कितनी, अप्रोक्सीमेटली 75%, और इसकी कितनी होती है 25%, ठीक है। इसका अगर पूरा नाम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज 1.4 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा आईबीसी ने, मतलब 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब भी आप हेलोजिनेशन करवाओगे क्लोरोबेंजीन का, तो आपको दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे, एक मिलेगा पैरा कंपाउंड 75% और दूसरा कंपाउंड आपको मिलेगा ऑर्थो कंपाउंड ओनली 25%, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नाइट्रेशन के बाद में, सॉरी हेलोजिनेशन के बाद में नेक्स्ट जो हमारा ईएसआर प्रोसेस है दैट इज नाइट्रेशन। हेलोजिनेशन अभी हमने किया था जस्ट पहले, है ना, नेक्स्ट अपन कर रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है इसका रिएजेंट, मतलब क्लोरोबेंजीन से क्या रिएक्ट करेगा। तो रिएजेंट इसका होता है HNO3 और साथ में H2SO4, HNO3 H2SO4 का मिक्सचर, मतलब आपको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों का मिक्सचर लेना है और उसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, क्लोरोबेंजीन के साथ में, ठीक है ना। तो करवाते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने का टाइम अभी नहीं है अपने पास में। अब जितना भी मैं हो सकता है मैं सब बिल्कुल ब्रीफ में कवर अप कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में जाके प्रोड्यूस कर सकें, जिन्होंने जिनका रिवीजन अभी भी क्या है, अधूरा है, ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन लिया अपन ने, हमने क्या लिया HNO3, फिर अपन ने क्या लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी रिएक्शन होगी तो आपको सेम ऑर्थो पैरा कंपाउंड आपको मिलेंगे, ठीक
ठीक है, एक बार पैरा पे जुड़ेगा एनओ टू और एक बार आपको जुड़ेगा ऑर्थो पैरो, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या है, दैट इज पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन अगेन 75%, और ये बन जाएगा आपका ऑर्थो क्लोरो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, कितना अगेन 25%। ठीक है, तो जब भी नाइट्रेशन करते हैं क्लोरोबेंजीन का तो आपको हमेशा से पैरा और ऑर्थो कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है, और पैरा मिलेगा 75% और ऑर्थो मिलेगा 25%। रीजेंट ध्यान रखेंगे आप लोग, HNO3 H2SO4 का मिक्सचर, और साथ में आपको लिखना है इसका रिएक्शन जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, नोट कर सकते हैं इसको। तो हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ चुके हैं, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का रिएजेंट ध्यान रखिएगा क्या होता है, ओलियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलियम, दैट इज गैसियस H2SO4। अगर आपने H2SO4 में से सारा पानी निकाल दिया और H2SO4 को आपने गैस में कन्वर्ट कर लिया तो उस गैसियस H2SO4 को वी कैन से दैट व्हाट, ओलियम। तो ओलियम क्रिएशन आपको करवानी है किसके साथ में, क्लोरोबेंजीन के साथ में, और आपको ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। तो क्लोरोबेंजीन हो गया ये, इसके अंदर आपने डाल दिया ओलियम, और जैसे आपने ओलियम डाला या फिर कई बार आपको क्वेश्चंस के अंदर गैस H2SO4 भी लिखा हो सकता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला आपने क्या बनाया, मैं पैरा कंपाउंड SO3H जुड़ेगा इस पे और ऑर्थो कंपाउंड SO3H जुड़ेगा इस पे। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया पैरा भी लिख सकते हैं या फिर फोर भी लिख सकते हैं, तो फोर क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं सबके IUPAC नेम से ले रहा हूं लिख रहा हूं क्योंकि IUPAC नेम लिखने से एग्जाम में अलग इंप्रेशन पड़ता है, आपके आंसर्स ज्यादा जो है इंपैक्टफुल लगते हैं एग्जामिनर को। तो जितना हो सके आप जब भी रिएक्शन करें तो रिएक्शन के बाद में कम से कम प्रोडक्ट का आपको IUPAC नेम लिखना चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा टू क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, वही सेम कहानी। ये बनता है 75% और ये कितना बनता है 25%, ठीक है। तो इन पे सवाल भी ऐसे ही आते हैं, है ना, कि हेलोजिनेशन में क्या बोलेंगे कि भाई क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनेशन करवाओ क्या मिलेगा बताइए, आप क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करवाइए बताइए क्या मिलता है, आप क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन करवा के बताइए क्या मिलता है, क्या बनता है ना। तो सवाल बहुत ही सिंपल सिंपल से आपके आते हैं, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं अगर वैसा आप फॉलो करते हैं, वैसे उसके अनुसार अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपके मार्क्स जो है फुल में से फुल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सल्फोनेशन भी समझ में आ गया होगा। हमने अब तक हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन किसका, क्लोरोबेंजीन का डिस्कस कर लिया है। अगला है फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, किसका, क्लोरोबेंजीन का, ठीक है ना। और उसके अंदर भी पहला पार्ट जैसे हमने डिवाइड किया था इसको एल्काइलेशन एसाइलेशन के अंदर, तो पहले अपन का डिस्कस कर रहे हैं एल्काइलेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिडलक्राफ्ट रिएक्शन के अंदर कि आपको इसका कैटलिस्ट ध्यान में रखना है। इसका कैटलिस्ट क्या होता है, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन की सबसे खासियत यह है कि जब भी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन होता है तो हमेशा से हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 एज अ कैटलिस्ट यूज करते हुए आए हैं, ठीक है। तो और इसका जो रिएजेंट है, मतलब अगर आप एल्काइलेशन प्रोसेस करते हो तो उसके लिए जो अपन रिएजेंट इसमें यूज करते हैं, जो रिएजेंट हमको यूज करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, दैट इज RX, यानी कि एल्काइल हैलाइड, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं, तो ये अपन ने बना दिया क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए RX। RX ले सकता हूं CH3
सी एल ले लिया मान लो, क्लोरोमीथेन है ना, या फिर मिथाइल क्लोराइड जो भी आप कह सकते हो, कह सकते हो उसको। और इसके अंदर आपने क्या ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। सो व्हेनेवर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद CH3Cl मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 व्हाट विल हैपन, अगेन ऑर्थो और पैरा कंपाउंड आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है ना। पैरा में क्या होगा, CH3 जुड़ जाएगा, और ऑर्थो में क्या जुड़ जाएगा, आपको इससे CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस कंडीशन में, इस रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, आपका इलेक्ट्रोफाइल है CH3। और क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन हंग्री होता है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है वो, ठीक है ना। और इस रिएजेंट को अगर आप स्टडी करें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो Cl कैसा होता है, डेल्टा नेगेटिव, और CH3 कैसा होता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो जिसपे पॉजिटिव वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक कर रहा है, पैरा पोजिशन पे और ऑर्थो पोजिशन पे, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4-methyl क्लोरोबेंजीन, कितना 75%, और ये क्या हो जाएगा 2-methyl क्लोरोबेंजीन, ये कितना ओनली 25%। बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। इसको कई बार हम लोग 4-chloro-toluene भी लिखते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नेम नहीं है, टोलुइन आईयूपीएसी नेम के अंदर नहीं आता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग को कंसीडर नहीं करते। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए एल्काइलेशन के बाद में आगे हम बढ़ रहे हैं एसाइलेशन पे, द सेकंड पार्ट ऑफ फेडलक्राफ्ट रिएक्शन। तो एल्काइलेशन में जिस तरह से हमने रिएजेंट यूज किया था व्हाट RX, उसी तरह से एसाइलेशन में हम क्या यूज करेंगे, अपन इसके अंदर जो रिएजेंट यूज करेंगे वो करेंगे RCOX। कैटलिस्ट सेम रहेगा, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3, है ना। आप देखो कैसे होता है, तो सबसे पहले अपन बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, जो कि कुछ इस तरह से बनेगा, और इसकी आप रिएक्शन करवाइए किसके साथ में, RCOX के साथ में। तो मैं R ले लेता हूं CH3 और X ले लेता हूं मैं Cl, X का मतलब हैलोजन होता है ना, मालूम होना चाहिए। तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और वही सेम एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो दो तरह के कंपाउंड बनेंगे, ऑर्थो पैरा, पैरा बना देते हैं और ये बन गया आपका ऑर्थो, है ना। तो पैरा में क्या हो रहा है, CO CH3 Cl हट गया, है ना, उस पहले वाले रिएक्शन में भी Cl हट रहा था, और यहां पे ऑर्थो पे CO CH3। दो तरह के कंपाउंड आपको बनते हुए दिख रहे होंगे, वही ऑर्थो पे और कहां पे, पैरा पे। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका पूरा नाम क्या होगा, एबीसी नेम, दैट इज 4-chloro-acetophenone, क्योंकि देखो कीटोनिक ग्रुप आ गया यहां पे, दिस इज कीटोनिक ग्रुप, दैट्स व्हाई एसिटोफिनोन। और कितना बनता है, अगेन 75%, और इसका नाम क्या हो गया, 2-chloro-acetophenone, ये कितना बनता है 25%, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ESR वाले क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं फॉर द क्लोरो बेंजीन, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई सवाल हो तो कमेंट में सवाल पूछ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा पक्का से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ बोर्ड के सामने, अगला क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट पर दो कंपाउंड के बीच में आपको कंपेयर करना होता है कि एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है ना। बट ऐसा क्यों होता है, तो ये इसको हम कहते हैं रीजनेबल क्वेश्चंस, मतलब रीजन देने वाले क्वेश्चंस, जिनमें आपको रीजन लिखना होता है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब क्या हो गया, RX,
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन इज मोर देन हाइड्रोकार्बन, तो आपको उसका रीजन लिखना है कि भाई जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन से कम क्यों होता है। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्टली कहूं तो हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्यों होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हेलो एल्केन का अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं CH3Cl, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। और हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल में ले लेता हूं क्या, जैसे अपन ले लेते हैं CH3CH3, इसको अपन कहते हैं इथेन। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों कंपाउंड को आप ध्यान से देखते हैं, इन दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखने पर आपको मालूम पड़ेगा कि इन दोनों ही कंपाउंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर आप डिफरेंस अभी से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप इसमें आराम से एक से दो रीजन आराम से लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, देखिए कैसे, जो लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए उनके लिए सुनिए। हेलो एल्केन के अंदर है पोलैरिटी, कैसे, क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशीज होता है ना, इसलिए हमेशा क्या शो करता है, डेल्टा नेगेटिव। तो अगर ये डेल्टा नेगेटिव शो कर रहा है तो कार्बन क्या शो करेगा, इसका ऑपोजिट, डेल्टा पॉजिटिव, है ना। बट हाइड्रोकार्बन आपके जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर। वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड कैसा है आपका, हेलो एल्केन सब कैसे होते हैं, पोलर। पोलर का मतलब क्या हो गया, जिसके पास दो पोल्स होते हैं, जिसको अपन डाइपोल मॉलिक्यूल भी कहते हैं ना, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। तो चूंकि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नॉन पोलैरिटी है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इनके अंदर दो चीजों की कमी होती है जो कि इसके अंदर होता है। ठीक है ना, सो अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे पहला एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी हेलो एल्केन्स एग्जिबिट्स टू फिनोमिना, टू फिनोमिनास। कौन कौन से टू फिनोमिना ये लोग, ये हेलो एल्केन आपको एग्जिबिट करता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसके इसके पास क्या है, पोलैरिटी है। तो दो फिनोमिना कौन से हो गए, सबसे पहला डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इंटरैक्शन बोल लो या फिर उसको आप अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, पहला फिनोमिना तो यही करता है। डाइपोल का मतलब इसमें दो पोल्स होंगे, आपको दो पोल दिख रहे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसा इसके अंदर नहीं है, इसलिए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ये शो नहीं कर सकता। दूसरी चीज, वेंडर वॉल्स इंटरैक्शन, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं पार्शली, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेंडर वॉल अट्रैक्शन या वेंडर वॉल इंटरैक्शन, ठीक है ना। तो चूंकि हमारा हेलो एल्केन एक पोलर मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से उसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंड है, इसलिए वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या करेगा, शो करेगा। और एक जो बेसिक फिनोमेना होता है मॉलिक्यूल के बीच में वो होता है पार्शियल अट्रैक्शन का, तो वैन डर वाल इंटरैक्शन जिसको हम कहते हैं तो वो भी शो करेगा। तो इन दोनों ही अट्रैक्शन की वजह से, दोनों ही फिनोमेना की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, हेलो एल्केन का, किसका, हेलो एल्केन का, वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, किससे ज्यादा होता है बताइए, हाइड्रोकार्बन से। तो ये चीज आपको मालूम होनी ही चाहिए, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट रहने पे आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में इस क्वेश्चन को मैंने, इस टॉपिक को मैंने बार बार रिपीट होते हुए देखा है, और वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। और SN1 SN2 को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर भी किया है, तो आप अगर सर्च करेंगे मेरी वीडियो लिस्ट के अंदर चैनल पर ही तो आपको मिल भी जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चूंकि पूरा ही सिलेबस कंप्लीटली रिवाइज कर रहे हैं,
इसलिए इस टॉपिक को मैंने दोबारा लिया है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं SN1 SN2 को। सबसे पहली चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए कि SN1 SN2 का पूरा नाम क्या है ना। तो अगर मैं SN1 का पूरा नाम आपको लिख के बताऊं और साथ में SN2 का नाम भी अगर साथ में लिख के बताऊं, इनका पूरा नाम अगर आपको मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इजिली इलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो SN1 को अपन कहते हैं यूनिमोलिकुलर, क्या कहते हैं अपन इसको, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 का पूरा नाम क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का पूरा नाम क्या है, बस यूनि की जगह क्या आ जाएगा, बाई बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, NSR। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताना चाह रहा था इसका पूरा नाम, तो फुल फॉर्म मैंने आपके यहाँ पे लिख दिया है। सेकेंड जो चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि SN1 completes in two steps। SN1 कितने स्टेप में खत्म हो जाती है, टू स्टेप में खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं SN2 की बात करूं तो SN2 completes in only one step। तो SN2 जो होती है केवल वन स्टेप में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर SN2 वन स्टेप में खत्म हो रही है और SN1 अगर टू स्टेप में खत्म हो रही है तो कैसे खत्म होती है वो अपन देख लेते हैं। SN1 टू स्टेप में खत्म हो रही है तो फर्स्ट स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप को अपन कहते हैं RDS। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। RDS का मतलब क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और कई बार इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप। मतलब RDS क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, और दूसरा जो स्टेप है इसके अंदर इसको अपन कहते हैं फास्ट स्टेप, फास्ट स्टेप। ठीक है, दो स्टेप पर खत्म हुआ, SN2 केवल एक ही स्टेप पर खत्म हो रहा है और इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट, एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट बनने से पहले एक बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर या बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं जी इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तीसरे पॉइंट में अपन लेंगे रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी अपन रिएक्शन लिखने की जब बारी आती है तो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं सबसे पहले किसका, SN2 का, क्योंकि SN2 क्या होती है, सिंपल होती है, एक ही स्टेप खत्म हो जाती है ना, मालूम है आपको। तो कैसे होती है वो देखिए, तो SN2 के लिए जो हम लोग यहां पे एग्जांपल लेते हैं उसको अपन कहेंगे रिएक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन विद एक्वस KOH। तो SN2 को समझने के लिए जो एग्जांपल मैंने यहां पे चूज किया है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन विद एक्वस KOH। ठीक है, तो देखिए तो क्लोरोमीथेन मैंने यहां पे ले लिया CH3, इसको मैं काम करता हूं ओपन करके बताता हूं आपको, है ना, मतलब एक तरह से मैकेनिज्म के फॉर्म में आपको बताता हूं क्या हो रहा है।
दिस इज योर क्लोरोमीथेन। अगर ओपन करोगे तो इस तरह से ओपन होता है, और इसके अंदर अपन ने क्या लिया है, एक्वस क्यूएच। आपको पता है कि एक्वस क्यूएच जब ब्रेक होता है तो किसमें होता है, मतलब जब एक्वस क्यूएच टूटता है पानी के अंदर जाके वाटर में जाके तो किसमें ब्रेक हो जाता है, के प्लस में और ओएच माइनस में, है कि नहीं। तो बस मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया, के प्लस हमारे अभी काम का नहीं है रिएक्शन के अंदर, केवल ओएच माइनस काम का है। क्यों, क्योंकि ओएच माइनस क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक है ना, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, उसका सिंबल क्या होता है ध्यान रखिएगा, Nu माइनस। तो जिस भी स्पीशीज के ऊपर प्लस आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो जिसके ऊपर नेगेटिव आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियोफाइल। तो OH हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब आपको पता है कि Cl जो होता है डेल्टा नेगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, और C क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है डेल्टा पॉजिटिव। अब OH जो है सामने से नहीं आ सकता, उसको दिक्कत आएगी, क्यों, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसलिए OH इस स्टेरिक हिंड्रेंस को या फिर इस रिपल्शन को कम करके अटैक कर सके कार्बन पर, इसलिए वो करता है क्या, वो करता है बैकसाइड अटैक। इसको अपन क्या बोलते हैं, बैकसाइड अटैक। और बैकसाइड अटैक करने की वजह से ही आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने से पहले। किस तरह से, देखो Cl और अभी कौन आया, OH, ठीक है। और इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट क्यों बोलते हैं। और ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि कार्बन की वैलेंस कितनी होती है, फोर, यहां पे देखो कितनी हो रही है, पांच हो रही है, एक दो तीन चार और पांच, भले ही पार्शियल हो लेकिन है तो सही ना। तो जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो ऑब्वियसली बात है Cl कंप्लीटली बाहर निकल जाता है माइनस के फॉर्म में, क्योंकि Cl से पावरफुल कौन है, ऑक्सीजन है ना, OH। और आपको मिलता है कंपाउंड कुछ इस तरह से, इस तरह से, और ये बन गया आपका क्या, दिस इज योर एल्कोहल, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक ही डिफरेंस है, रिएक्टेंट के अंदर नेगेटिव स्पीशीज कहां पे था, राइट हैंड साइड में, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जो नेगेटिव स्पीशीज है वो कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप कह सकते हो कि कंपाउंड जो हुआ, मतलब जो प्रोडक्ट है वो 180 डिग्री घूम गया रिएक्टेंट से, है ना, इसलिए दिस कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड इनवर्जन इन कॉन्फिगुरेशन, कॉन्फिगुरेशन, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे हाथ को देखें तो पहले देखो Cl, ये है Cl, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हो गया, ये Cl हो गया, ठीक है ना। तो जब कंपाउंड बन गया, मतलब जब ये रिएक्टेंट स्पीशीज है, Cl देखो यहां पर, ये रहा Cl, है ना, आपके राइट हैंड साइड में, यहां भी Cl राइट हैंड साइड में। तो जब कंपाउंड बना, ठीक है, तो ये Cl जो है, ये नेगेटिव स्पीशीज थी, वो मॉलिक्यूल के घूमने की वजह से किधर आ गई, इधर आ गई, यानी कि कुछ इस तरह से, ये देखो, ठीक है ना, ठीक है। या तो इसको ऐसे घुमा लो या फिर इसको आप ऐसे भी घुमा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको SN2 को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ रिएक्शन। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए SN2 के बाद में नेक्स्ट जो हम लोग मूव कर रहे हैं दैट इज SN1, ठीक है। और SN1 के अंदर मैं आपको थोड़ा सा तो बता ही दिया है और आपने पढ़ा भी होगा जरूर कि SN1 जो होती है हमेशा टू स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप हम कहते हैं RDS, सेकंड स्टेप हम बोलते हैं फास्ट स्टेप, ठीक है। अब इसको समझने के लिए जो मैं एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं दैट इज रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड विद एक्वस KOH, रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड विद एक्वस KOH, ठीक है। तो चूंकि ये दो स्टेप में हो रहा है इसलिए मैं भी इसको दो स्टेप में ही करूंगा, है ना। तो पहले स्टेप के अंदर अपन टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को लेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप में टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कैसा होता है दिखने में, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिखने में कुछ इस तरह से होता है,
ऐसा, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में बना के आना आपको, क्योंकि एग्जाम में आएगा ये, ठीक है ना, पूरे पूरे चांसेस आने के इसके। और एक्वस के ओएच तो वही अपन केवल ओएच ही लेंगे, है ना, लेकिन ओएच तब लेंगे जब भी टूटेगा। तो क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आरडीएस हो रहा है। आरडीएस क्यों हो रहा है, क्योंकि आरडीएस के अंदर क्या होता है, कंपाउंड अपने आप को कंपाउंड अपने आप को स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे ये कंपाउंड कंप्लीटली स्टेबल है, क्यों, कार्बन की वैलेंसी चार कंप्लीट है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले ये अपने आप को अनस्टेबल करता है सीएल को बाहर निकाल के, ठीक है ना। पोलैरिटी है आपको मालूम है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और ये ग्रुप देखो कितना ज्यादा बल्की है, ये वाला, इसको देखो ध्यान से आप, कितना ज्यादा बल्की ग्रुप है ये, बल्की, ठीक है ना। तो बल्की होने की वजह से ये सीएल के साथ टूट जाता है। पर सीएल बेचारा अकेला वो इतने भारी ग्रुप को कैसे जोड़ के रख सकता है ना, नहीं रख सकता, इसलिए इजिली टूट भी जाता है। और जब ये टूटता है तो आपको मिलता है कुछ इस तरह से, सी प्लस, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, ध्यान रखना। और साथ में क्या बाहर निकल जाता है, सीएल माइनस। तो दिस इज योर 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और मैंने इसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों बोला, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो इफ एनी सी प्लस डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 different carbon atoms, देन इट विल बी कंसिडर एज 3 डिग्री कार्बो कैटायन। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, है ना, ध्यान से देखिए सेकेंड स्टेप को। सेकेंड स्टेप के अंदर OH अटैक करेगा और कुछ नहीं होने वाला, यानी कि CH3, 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 उस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, है ना, दिख रहा होगा आपको पॉजिटिव। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड को आप कैसे भी लिख सकते हो, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर पहले आपने ऐसा लिखा फिर ऐसा क्यों लिख दिया, है ना। तो ऐसे सवाल नहीं पूछने, सिग्मा बॉन्ड को आप कैसे भी जोड़ सकते हो, कैसे भी तोड़ सकते हो, मतलब तोड़ना नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, ड्रॉ कर सकते हो आप, है ना। जैसे कि ये जो हमारी फिंगर है, ये जो हमारी फिंगर है, ठीक है, इन सारी फिंगर, ये सारी सिंगल, या जो फिंगर है, फिंगर से हमारी सारी सिंगल है ना, तो इसको मैं कैसे जैसे मर्जी वैसे मूव करवा सकता हूँ। लेकिन मेरे हाथ में 5 तो उंगलियां रहेगी, मैं ऐसे भी कर लूं, ऐसे भी कर लूं, ऐसे भी कर लूं, ऐसे भी कर लूं, कैसे भी कर लूं, है ना। तो इस एक सिंगल बॉन्ड की तरह एक्ट कर रहा है। इसी तरह से सिग्मा बॉन्ड को आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, डजंट मैटर, है ना। OH माइनस लिया अपन ने, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो SN2 के अंदर OH जो है केवल बैक साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्यों, क्योंकि सामने क्या था, Cl था। बट यहां पर ऐसा कोई केस नहीं है, है ना, इसलिए वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है, जहां भी, जहां से भी वो आ रहा है ना। इसलिए 50-50 कंपाउंड मिलता है आपको, मतलब एक अगर इसने मान लो फ्रंट से अगर अटैक किया तो पहला कंपाउंड क्या मिल गया आपको, ये वाला। बट अगर उसने बैक से अटैक किया, पीछे से अगर उसने अटैक किया, आपको क्या मिलेगा, इस तरह कंपाउंड, यस और नो, ऑब्वियसली, है ना। फ्रंट से अटैक कर रहा है तो ये वाला कंपाउंड, बैक से कर रहा है तो ये वाला कंपाउंड, ठीक है। और इन दोनों कंपाउंड को अगर आप ऑब्जर्व करें, ध्यान सुनिएगा बिल्कुल, इन दोनों कंपाउंड को अगर आप ऑब्जर्व करें तो बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर व्हाट, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। ये दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे के कैसे हैं, मिरर इमेजेस हैं, ध्यान से देख लो, ये दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे के कैसे हैं, मिरर इमेजेस हैं। और ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर मिरर इमेज वाले दो कंपाउंड हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं एनेंशियोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स, ठीक है। और ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या मिक्सचर
जिसके अंदर एनेंशियोमर्स होते हैं, जैसे ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं, और इन दोनों को मैंने एनेंशियोमर्स क्यों बोला, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हैं, मिरर इमेजेस है, ठीक है। तो जिस भी सॉल्यूशन में मिरर इमेज होता है उसको अपन कहते हैं एनेंशियोमर्स, और जिस भी सॉल्यूशन या मिक्सचर के अंदर एनेंशियोमर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर, उसको अपन क्या कहते हैं जी, रेसेमिक मिक्सचर। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और आपको नोट करनी है, इसलिए इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। तो इन तीन पॉइंटों के अलावा जो चौथा पॉइंट जो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट है ना, तीनों पॉइंट आपने डिस्कस किए, हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे, है ना। लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर जिसपे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों के बीच में ही, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, SN1 और SN2 की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम SN2 की अगर बात करें तो SN2 की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी कार्बन या फिर प्राइमरी कंपाउंड्स, प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन एंड टर्शियरी हाइड्रोकार्बन, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है किसका, SN2 का। लेकिन अगर मैं SN1 की बात करूं तो SN1 के लिए जो ऑर्डर रिएक्टिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसका उल्टा रिवर्स, यानी कि 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। यानी कि जब भी अपन SN2 रिएक्शन करते हैं तो हमेशा हम ये चेक करते हैं क्या हमारे पास में प्राइमरी हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम SN1 कर रहे हैं तो अपन सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि हमारे पास टर्शियरी हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। तो ये जो चार टाइप के जो पॉइंट्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिया SN1 और SN1 और SN2 के अंदर, इनमें से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आईयूपीएसी नेम्स, है ना। तो आईयूपीएसी नेमिंग ये किसकी है, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उसमें से ये टॉपिक उठाया गया है, और काफी ज्यादा क्वेश्चन इसमें से तो नहीं पूछे जाते, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आईयूपीएसी नेम्स, है ना। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है, तीन नंबर का क्वेश्चन आता है, एक ही नंबर के तीनों है ना। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी हम लोग आईयूपीएसी नेम पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तीन टाइप के होते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो रिवीजन के टाइम पे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का कौन कौन सा, एक होता है नेगेटिव कंपाउंड्स, एक होता है पॉजिटिव कंपाउंड्स, और एक होता है न्यूट्रल कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, ये तीन टाइप के कंपाउंड्स जो है वो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखेंगे ड्यूरिंग आईयूपीएसी नेमिंग, है ना। नेगेटिव कंपाउंड की खासियत क्या होती है कि जो काउंटर एटम होता है वो कहां मिलेगा आपको, वो हमेशा आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई भी काउंटर एटम है, काउंटर एटम का मतलब क्या हुआ कि बड़ा ब्रैकेट अगर आपको दिख रहा है, जैसे कि देखिए यहां पे बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये है ना। तो बड़े ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब यहां पर, यहां पर अगर काउंटर एटम है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को, ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव कंपाउंड्स, है ना। लेकिन अगर काउंटर एटम राइट हैंड साइड में है किसके, बड़े ब्रैकेट के, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड में अगर है बड़े ब्रैकेट के, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कंपाउंड्स, ठीक है ना। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर ना लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में काउंटर एटम है ही नहीं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कंपाउंड्स। जैसे कि एग्जांपल देखो, ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, तो ये काउंटर एटम हो गया, दिस इज योर काउंटर एटम, और काउंटर एटम कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है।
तो ऐसे आपको पहचानना एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। इसको देखो ध्यान से, ये भी काउंटर आइटम है। बड़े ब्रैकेट के अलावा जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, काउंटर आइटम है ना, वो भी राइट हैंड साइड में। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप थर्ड कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड में ना राइट हैंड साइड में कहीं भी काउंटर आइटम नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, तो नेगेटिव एग्जांपल क्या हो सकता है, नेगेटिव तो उसने पूछा ही नहीं। नेगेटिव एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे K4Fe CN6। ठीक है, देखो ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, बड़े ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में क्या है, काउंटर एटम, दिस इज काउंटर एटम। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है ना, तो इस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए। तो पहले अपन नाम लिख लेते हैं सबके, और नाम लिखने का तरीका, रूल्स वगैरह सब आप रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, उसके बिना आप इसकी नेमिंग नहीं कर पाओगे। तो यहां पे सबसे पहले मैं नेमिंग करता हूं फर्स्ट कंपाउंड की, मतलब इसकी नेमिंग करता हूं मैं यहां पे, ठीक है ना, यहां पे नेमिंग कर रहा हूं उसकी। तो जितने भी आपके पॉजिटिव कंपाउंड रहते हैं उनकी नेमिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले नाम लिखते हैं अपन पॉजिटिव का, फिर अपन लिखते हैं नेगेटिव का। तीनों में ये चीज एप्लीकेबल है कि जब भी कंपाउंड आप आइडेंटिफाई कर लो कि वो इन तीनों में से क्या है, आपको पहले नाम लिखना है पॉजिटिव साइड का, फिर नाम लिखना है आपको नेगेटिव साइड का। तो इन दोनों के अंदर पॉजिटिव साइड क्या है, ऑब्वियसली बात ये वाला है ना। और CMA का नाम हमेशा हम लोग लिगेंड के बाद में लिखते हैं, जैसे ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये सारे मेटल है ना, कैसे ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है। तो मेटल को छोड़कर जितनी भी आपको चीजें वहां पर देखने को मिल रही है वो सारी की सारी क्या होती है, लिगेंड्स होती है। लिगेंड का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देती है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर CMA क्या है, CR है ना, लिगेंड्स क्या है, लिगेंड यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ध्यान रखिएगा, लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, लिख लो लिगेंड का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। तो लिगेंड कौन कौन से यहां पे, एक तो NH3 है और H2O है, ठीक है। तो CMA को छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या होती है, लिगेंड्स होती है। और काउंटर एटम क्या है, CA, काउंटर एटम, ऑब्वियसली बात है CL है ना। तो पहले अपन नाम लिखते हैं लिगेंड्स का अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स, उसके बाद CMA का, उसके बाद में अपन लिखेंगे काउंटर एटम का, है ना। तो देखो जरा ये केवल किसमें पॉजिटिव में, ध्यान रखिएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका NH3 में एमीन का नाम, इसका एमीन पहले आता है, उसका नाम हो जाएगा ट्राई अमीन, उसके बाद में ट्राई एक्वा, वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा है ना, उसके बाद में क्रोमियम, क्रोमियम। अब चूंकि आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है इसलिए हम लोग इसमें 8 नहीं लगा रहे, अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हुआ, जैसे कि ये है, ये नेगेटिव हो गया ना पूरा साइड, क्योंकि काउंटर एटम कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो कंपाउंड कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में अगर CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो अपन उसके नाम के आगे 8 लगाते हैं, तो फेरस क्या बन जाएगा, फेरेट है ना। तो ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, और इस पे जो चार्ज है वो कितना है, वो है 3, ठीक है। और बाहर क्या है, CL, तो CL को अपन क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये आपका नाम हो गया किसका, फर्स्ट कंपाउंड का। ध्यान से देख लीजिए, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड। अब मान लो किसी को अगर दिक्कत है कि भाई ये 3 कहां से आया, इसको अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। तो ये कैसे निकालते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा इस पे। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो ये अपन तरीका यूज कर सकते हैं उसको समझ के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट सेकंड कंपाउंड का नाम लिखते हैं। सेकंड कंपाउंड के अंदर वही 3 चीजें आपको लिखनी है। पहली बात तो इसका CMA क्या है, CMA इसका है कोबाल्ट, CO। इसका लिगेंड क्या है, लिगेंड इसमें देखो एक ही लिगेंड है, वो 3 बार है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बताइए इसका नाम क्या है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH2NH2, और नाम क्या है, जल्दी बताइए इसका नाम, इसको अपन कहते हैं
इथाइलिन डायमीन, इसका सिंबल क्या होता है? ईएन होता है ना, इसका सिंबल क्या होता है? ईएन होता है। और इसका जो सेंटर एटम है, सॉरी काउंटर एटम जो है वो क्या है? काउंटर एटम मतलब बाहर वाला, SO4। ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए कि मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, नहीं लिखा तो मुझे सही कीजिएगा कमेंट करके, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए इसका नाम लिखते, सब कुछ हमारे पास आ चुका है। हमको ये मालूम लग गया है कि ये कंपाउंड कैसा है, जल्दी बताइए। पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जो काउंटर एटम है कहां पर है? वो राइट हैंड साइड में। तो पहले अपन नाम लिखते हैं लिगेंड का। तो देखो इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन। तो अगर डाई ट्राई टेट्रा ये सब पहले आ जाता है तो अपन फिर क्या यूज करते हैं? फॉर टू थ्री वगैरह बेस ट्रेस है ना, इस तरह से यूज करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थ्री। कोबाल्ट पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है? कोबाल्ट का थ्री होता है ना, कैलकुलेट करोगे मालूम पड़ जाएगा। और फिर सल्फेट। तो ये आईयूपीएसी नेम है किसका? सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट का। अब समझते भी चाहिए, लिखते भी चाहिए, और जहां भी आपको दिक्कत हो नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा और फिर दोबारा से इसको समझिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरा, थर्ड में देखिए, थर्ड कंपाउंड कौन सा है इन तीनों में से? ठीक है, क्योंकि इसमें से इन तीनों में से ये वाला होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि ना तो राइट हैंड साइड में और ना ही लेफ्ट हैंड साइड में काउंटर एटम है नहीं। ये वाला सेक्शन होता है ना काउंटर एटम वाला, ये एब्सेंट है। और काउंटर एटम अगर एब्सेंट हो तो वैसे कंपाउंड ना नेगेटिव होते ना पॉजिटिव होते, क्या होते हैं? केवल न्यूट्रल होते हैं। तो इसके अंदर जो आपका CMA है वो क्या है? निकल Ni। और जो आपका लिगेंड होता है इसके अंदर, लिगेंड जो है इसके अंदर वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका Cl और दूसरा है PPS3। PPS3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ध्यान रखिएगा, जिसको नहीं पता लिख लीजिए। PPS3 को हम कहते हैं ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन है ना, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। तो नाम लिखते हैं इसका, इसका भी नाम सेम वैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसका नाम लिगेंड का नाम, उसके बाद में किसका? CMA का नाम। तो जब भी नेमिंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा पहले लिगेंड उसके बाद में CMA। ये एक जनरल सा ऑर्डर रहता है नाम लिखने के लिए, है ना, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब सी पहले आता है तो डाइक्लोरो, और क्लोरो भी नहीं आता एक्चुअल में, क्लोरीडो आता है, IDO लगाते हैं। तो डाई और डाई भी नहीं आएगा, सॉरी बिस आएगा। अब क्यों आएगा ये पता लगेगा आपको, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। देखो ट्राई आ गया ना कंपाउंड में, अगर लिगेंड के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा आता है, ठीक है ना, तब उस केस में हम यहाँ पे दोबारा से बाई डाई ट्राई यूज नहीं कर सकते। फिर अपन दो के लिए यूज करते हैं बिस, तीन के लिए यूज करते हैं ट्रिस, है ना, ध्यान रखिए। और फिर क्या है? निकल, यहाँ पर लिख देंगे निकल, निकल, ठीक है ना। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें एक चीज हमने नहीं लिखी है, वो है इसका ऑक्सीजन स्टेट। तो निकल का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है इस केस के अंदर? ये हो जाएगा आपका टू। तो ये आईयूपीएसी नेम होगा किसका? थर्ड कंपाउंड का, ठीक है। चलिए लास्ट कंपाउंड जो मैंने लिखा था उसका नाम भी लिख लेते हैं। अब ये कंपाउंड इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी का है? नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि जो काउंटर एटम है वो कहां पे आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है।
और काउंटर आइटम अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो कंपाउंड कैसा बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो पहले अपन नाम लिखते हैं क्या बोलते हैं पॉजिटिव का, पॉजिटिव साइड का, फिर नेगेटिव साइड का, है ना। पॉजिटिव कौन है यहाँ पे, पोटेशियम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो काउंटर एटम कौन है, पोटेशियम के। CMA क्या है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज Fe। और लिगेंड की अगर बात करें तो लिगेंड कौन है यहाँ पे, छह लिगेंड है किसके, CN के, साइनो ग्रुप के। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट टू, ठीक है ना। अब जैसे कोई भी अगर नेगेटिव साइड होता है ना, नेगेटिव साइड वाले या नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले जो भी CMA होता है, ठीक है, अगर CMA नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो उसके नाम के आगे हमेशा एट लगता है। तो फेरस होना चाहिए था, है ना, फेरस होना चाहिए था, फेरस प्लस एट, तो फेरसेट नहीं कर देना इसको, फेरेट, है ना। तो ये प्रैक्टिस से आ जाता है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा अगर किसी को प्रॉब्लम मान लो आ रही है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आईपीसी नेम लिखें इस बात का विशेष ध्यान रखें, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से टाइप का है, कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कि न्यूट्रल है, ठीक है ना। और जब आपको ये मालूम पड़ जाए तो आपको रूल्स अप्लाई करने हैं कि सबसे पहले अपन नाम लिखते हैं पॉजिटिव साइड का, फिर लिखते हैं नेगेटिव साइड का, है ना। और जब आप नाम लिख रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है किसके, सेंट्रल मेटल एटम के। और किस अनुसार लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ लिगेंड, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि आपने ऑक्सीजन स्टेट अच्छे से डिटरमाइन किया हो, ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन आपने अच्छे से किया, ठीक है। तो इस पूरे को नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन वही है जो हमने इसके पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसी चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और मैंने आपको कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जब आप नाम लिखते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है कि आप CMA का ऑक्सीजन स्टेट निकालें, है ना। तो CMA का ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं इन दो क्वेश्चंस के माध्यम से। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देखा है और कई मैंने मॉडल पेपर्स के अंदर भी देखा है, ऑक्सीजन स्टेट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ले लेता हूं और आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं बाय टेकिंग दीज टू एग्जांपल्स, है ना। तो देखो ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं वो देखो आप। तो जैसे मैंने ये कंपाउंड लिखा है यहाँ पे K4FeCN और 6, ठीक है ना। अब जब भी आप लोग ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई हम किसका निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन स्टेट हमेशा किसका निकलता है, CMA का, ठीक है ना। CMA का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम का। तो इस कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है आयरन, है ना। यही यहां पे मेटल दिख रहा है मुझे तो सेंट्रल मेटल। पोटेशियम को मत लिख देना क्योंकि पोटेशियम क्या हो गया यहाँ पे, काउंटर एटम हो गया। ध्यान रखना बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या फिर वो राइट हैंड साइड में हो, वो हमेशा क्या होता है, काउंटर एटम होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जिसका भी ऑक्सीजन स्टेट आपको निकालना है उसको आप मान लीजिए एक्स, जैसे मैथ्स में करते हैं अज्यूम करते हैं एक्स, ठीक है ना। और जिसका पता है वो लिख दीजिए। CN का कितना होता है, CN मतलब होता है साइनो ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप का होता है -1। और कितने नाइट्राइल अपने पास में, 6 हैं, तो इनटू 6, ठीक है। तो ये पोर्शन खत्म हो गया, या फिर मैं इसको छोड़ ऐसे लिख लेता उसको, ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है बताइए, +1। और कितने पोटेशियम मेरे पास में, 4, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि देखें आपको विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं हो। तो +1 × 4, समझ में आ गया आपको। बहुत जो अननोन होता है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, जिसका पता होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। और फिर करना क्या है, कैलकुलेट एक्स को फाइंड करने के लिए सबको ऐड कर दो। क्या इस कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, इस तरह से -1
प्लस टू ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। जब नहीं दिख रहा होता है तो अपन क्या लिखते हैं? इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। प्लस वन इंटू फोर क्या हो जाएगा? फोर प्लस का फोर प्लस एक्स प्लस क्या बोलते हैं माइनस वन इंटू सिक्स माइनस सिक्स और प्लस माइनस माइनस तो माइनस के छह। ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। टैक्स की वैल्यू क्या आ गई बताइए, जल्दी बोलिए। प्लस के टू आ गई। मतलब एफ ई पे क्या चार्ज है? एफ ई पे चार्ज है प्लस टू। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसको देखिए, एक बार देखने से नहीं आएगा। अगर आपकी स्टडीज थोड़ी सी कमजोर है तो आपको रिवीजन सेशन थोड़ा सा बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, है ना, तो वो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, है ना। नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, दोबारा देखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को अपन लिख लेते हैं। सीओ, सीओ का मतलब कोबाल्ट, NH3 लिगेंड है, वो भी कितने अच्छा है, बड़ा ब्रैकेट, और राइट हैंड साइड में क्या है आपका? काउंटर एटम, है ना। तो CM अगर निकालना है उनको तो इसका नहीं पता, तो इसको हमने क्या माना? X मान लिया। NH3 का कितना होता है? तो जीरो होता है। और कितना, कितने NH3 है? छह है, तो जीरो इंटू सिक्स। और CL का कितना होता है बताइए? माइनस वन। और कितने CL है? तीन CL है। ओके, और बाहर कोई चार्ज है तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एक्स प्लस यहां पे प्लस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर हो रही होगी आपको बात? तो सिक्स इंटू जीरो जीरो ही हो गया। तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या हो जाएगा बताइए? प्लस का थ्री। इसलिए कोबाल्ट पे क्या चार्ज है यहां पे? इस कंपाउंड में प्लस थ्री चार्ज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑक्सीजन स्टेट वेरी इजिली फॉर एनी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो जितने भी क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए वो सारे मैंने या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं या फिर मैंने मॉडल पेपर्स में से उठाए हैं। ठीक है, यानी कि इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको रिग्रेसली इसके प्रैक्टिस करनी है, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, तो ये जो आज का जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो काफी लंबी हो गई है, घंटे की हो गई है ना। तो इस तरह से मैं आपको सेकेंड पार्ट भी लेके आऊंगा, लेकिन आपको करना क्या है, आपको रिवाइज करना है, जितना हो सके आपको रिवाइज करना है। अगर कोई टॉपिक मान लो समझ में नहीं आ रहा, उसको बार बार देखिए आप, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर जो आपने नोट्स बना रखे उसको आपको देखिए बार बार, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे फॉर द फर्स्ट वीडियो। विल मीट टुमारो विद द सेकेंड वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।